हेलो स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स, यूनिट 4, स्किप काउंटिंग, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो स्किप काउंटिंग हमारा इसमें कंप्लीट कर लिया है हमने, मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यू करेंगे हम। मल्टीप्लाई के लिए मैंने आपको बोला है कि आपने 2 से 10 तक आप टेबल लर्न करेंगे अच्छे से हाफ ईयरली एग्ज़ाम तक के लिए, और डिवीज़न के लिए भी आपको टेबल अच्छे से आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर 88 में लास्ट टाइम हमने मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस किए थे टेबल रीड करके, टेबल यूजिंग ऑफ टेबल। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीज़न के लिए आपको टेबल अच्छे से लर्न करनी है, ठीक है। तो पेज नंबर 88 में है आपका मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स मीन्स सिंपल है, मल्टीप्लाई ही करना होता है, ठीक है। जैसे आप 2 1 2 करते हैं, 2 2 4, तो आप उसके क्या करते रहते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते रहते हैं। फिर इसी तरीके से आप 1 times 2 times 3 times 4 times, ठीक है, 10 times आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीपल्स भी आपका क्या, राइट द, जैसे ये आपका क्वेश्चन है कि राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए 2 3 4, तो कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे देखिए 2 1 2 2 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 and 2 5 10। तो आपको सिर्फ 5 मल्टीपल्स बोला है, यानी कि 2 को आपको सिर्फ कितनी बार मल्टीप्लाई करके बताना है, 5 टाइम्स। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 and 2 5 10। आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है, अगर सिर्फ बोलता कि राइट द फर्स्ट 2 मल्टीपल्स, तो सिर्फ 2 1 2 and 2 2 4, यानी कि ओनली 2 times। यहाँ पे देखिए लेसन आपका 4, स्किप काउंटिंग, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पेज नंबर 88, मल्टीपल्स, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, यहाँ पे एस लगा रहा है आपने, मल्टीपल्स ऑफ। अब आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स, जो भी नंबर आपको दिए हैं, आपको उनके फर्स्ट 5 यानी कि 5 times तक आप टेबल उस पर रीड करनी है, ठीक है। मल्टीपल्स मीन्स यानी कि सिर्फ आपको टेबल रीड करनी है। 5 times बोलेगा तो 5 times 5 जा करेंगे, 2 times बोलेगा तो आप 2 times यानी कि 2 जा तक करेंगे, 6 बोलेगा तो 6 जा तक करेंगे, ठीक है, यानी कि 6 times तक। जैसे पहला आपका ऑलरेडी डन था 2, यहाँ पे देखिए 1 time 2 2 जा 1, फिर 2 time 2 2 जा 4, फिर 3 जा 2 3 जा 6, फिर 4 जा 2 4 जा 8 एंड 5 जा 2 5 जा 10, ठीक है। यानी 1 time 2 time 3 time 4 time 5 times, यानी कि 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा एंड 5 जा। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल बोले तो आपने 5 मल्टीपल आपने सिर्फ बता रहे हैं। इसी तरीके से 6 है, 6 1 जा 6 वज़ा हो गया, 6 2 जा 12 यानी कि 2 जा, 6 3 जा 18 यानी कि 3 times, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। तो ये कितने मल्टीपल्स हो गए, 5 मल्टीपल्स, यानी कि 1 मल्टीपल ये हो गया, 2 मल्टीपल, 3 मल्टीपल, 4 मल्टीपल एंड 5 मल्टीपल। आपने सिंपल क्या करना है, टेबल आपने रीड करनी है। इसी तरीके से आपका 10 है, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40 एंड 10 5 जा 50, यानी कि 1 मल्टीपल ये हो गया, 2 मल्टीपल, 3 मल्टीपल, 4 मल्टीपल एंड 5 मल्टीपल। आपने सिर्फ ध्यान रखना है कि आपने मल्टीपल के लिए जितने भी आपको 5 मल्टीपल बोलेगा, 6 मल्टीपल है, 7 मल्टीपल है, तो उतने टाइम्स तक, यानी कि उतने टाइम्स तक आपने अपना टेबल, वहाँ पर आपने जो भी आपको नंबर दिया है उतने टाइम्स आपने टेबल रीड करना है, ठीक है। सिंपल सा टॉपिक है, आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आपने अपने टेबल्स 2 से 10 तक आपने अच्छे से लर्न करने हैं। तो मल्टीपल्स का राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आपको समझ आ गया होगा, ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। सो थैंक यू क्लास।